अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आइए आज आपको लेकर चलते हैं रियाद सऊदी अरेबिया में होने वाले एक रंगारंग इवेंट पर और आपके साथ इसकी तमाम तर डिटेल्स भी शेयर करते हैं। सैयदात ग्लोबल के ज़ेरे एहतमाम होने वाले इस मीना बाज़ार में सिर्फ ख़वातीन और बच्चों की एंट्री को अलाउ किया गया है। टिकट भी बहुत ही मुनासिब रखा गया है। रोज़फील्ड होटल मुरब्बा रियाद में ये तकरीब मुनाकिद की गई है। इसकी तमाम तफसीलात आप वीडियो में देखते रहिएगा और एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इससे आपको काफ़ी एंटरटेनमेंट भी मिलेगी और मालूमात भी होगी। उम्मीद है ये इवेंट आपको बहुत पसंद आएगा। तो आप हैं सिस्टर उमे इब्राहिम कुरैशी, जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है ये वाला इवेंट, और इसके बारे में ये आपको खुद इंट्रोड्यूस कराएंगी। ये हमारा एक मंथली एक्टिविटी होती है यहाँ के जो एक्सपैट कम्युनिटी है उनके लिए। तमाम तरह की नेशनलिटीज़ हमारे साथ आती हैं, पार्टिसिपेट भी करती हैं और इसमें शिरकत भी करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो कम्युनिटी की बड़ी सपोर्ट है, हर तरह के स्टॉल्स बहुत अच्छे स्टॉल्स हैं, जिस तरह से अभी हम आपको आगे वीडियो में भी दिखाएंगे। यहाँ पे फूड के भी हैं स्टॉल्स, ज्वेलरी, मेहंदी, इसके साथ साथ बहुत ही अच्छी क्लोथिंग के भी हैं यहाँ पर, और बहुत ही रौनक लगी हुई है। माशाल्लाह ख्वातीन आ रही हैं, जा रही हैं, बच्चे भी हैं, और यहाँ पे आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप सबके लिए बहुत ही अच्छी और यहाँ पे हेल्दी एक्टिविटी भी है। तो यहाँ पे एंट्री टिकट्स दे रहे हैं बच्चे 10 रियाल फॉर एडल्ट और 5 रियाल फॉर जूनियर। तो जैसा कि मैम उमे इब्राहिम कुरैशी ने आपको बताया कि ये इवेंट एक्सपर्ट कम्युनिटी के लिए ऑर्गेनाइज़ किया जाता है ताकि ख़वातीन यहाँ पर आकर अपनी दिलचस्पी के आइटम ख़रीद भी सकें, स्टॉल्स लगा सकें, खाने पीने का भी इंतज़ाम है, ज्वेलरी, क्लोथिंग और इसके अलावा हिना का भी इंतज़ाम किया गया है, और बच्चों और ख़वातीन के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत इवेंट है। और तमाम ख़वातीन जिन्होंने यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया है उन सब ने इसके लिए बहुत मेहनत भी की है, तो आप ज़रूर यहाँ तशरीफ़ लाएँ। अगर आप रियाद में रहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा इवेंट है, और अगर आप यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ तो आप यहाँ पर स्टॉल्स भी लगा सकते हैं, इसके अलावा आप यहाँ पर सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए भी आ सकते हैं। आयशा इमरान सिस्टर हैं हमारी, जिनका ये स्टॉल है जिस पर हम इस वक्त आए हैं और आपको ये खूबसूरत वैरायटी दिखा रहे हैं जो सिस्टर हमें शो कर रही हैं। आपकी सिस्टर पकड़ लें, बहुत ही प्यारा खूबसूरत सूट है, और ये है नौबहार का, बहुत प्यारा है, फुल सूट है, बहुत प्यारे एम्बेलिशमेंट हुई हुई है इसके ऊपर, बहुत प्यारा लग रहा है। थ्री पीस में है ये सूट, ये थ्री पीस। इसके साथ का ये है खूबसूरत सा दुपट्टा है, ऑर्गेन्जा फैब्रिक में है, बहुत प्यारा काम हुआ है इसको, और ये कलर जैसा वीडियो में दिखाई दे रहा है ये उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है, इससे कहीं ज़्यादा प्यारा है, क्योंकि वीडियोस में अक्सर कलर्स में चेंज हो जाते हैं, ओरिजिनल कलर नहीं आता। ये है वरारा है, ये क्या है? ये वरारा है गोल्डन कलर में, बहुत प्यारा ऑर्गेन्जा का वरारा है, और साथ में इसके अंदर लगी हुई है लाइनिंग, इनर भी लगा हुआ है, और ये इसकी बहुत ही प्यारी बहुत खूबसूरत सी शर्ट ब्रांड है, इसको विजिट भी कर सकते हैं, लेडीज ब्रांड है, कोई भी मेरे पास रेप्लिका कॉपी वगैरह कपड़े नहीं होते, ओरिजिनल है, विजिट करेंगे तो खुश हो जाएंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा इंशाल्लाह, बहुत प्यारा। अगर आप कपड़ा ही दिखाने लगेंगे ना तो आपकी वीडियो बहुत लंबी होगी। नहीं, मैं इतनी लंबी नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ एक थोड़ा सा रिव्यू दे रही हूँ, बहुत प्यारा माशाल्लाह काम है, और जितना ये हकीकत में प्यारा है इतना प्यारा ये वीडियो में नहीं आ रहा, इतना ही खूबसूरत काम है। ये ब्राइडल है, अच्छा आप प्राइसेस भी बताइए, इनकी प्राइस क्या है? अच्छा ये स्टार्टिंग जैसे ये वाला भी मैं दिखा रही हूँ, ये हैवी पार्टी है लुक में, ठीक है, और इसका दुपट्टा भी अच्छा है, इसके दामन पे भी बहुत प्यारा काम है, बहुत खूबसूरत है, और ये चिकनकारी के स्टाइल में हुआ हुआ है, लेज़र कट जी, लेज़र कट से, और ये इसका दुपट्टा भी बहुत खूबसूरत कट वर्क है, और बहुत प्यारा ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है। अभी 2-3 सूट दिखाए हैं, जिनको कांटेक्ट करना होगा आप मेरा नंबर दे दीजिए, कांटेक्ट करें। ठीक है ठीक है, आपका नंबर मैं लेती हूँ। आप मुझे इसका ट्राउज़र दिखाइए, ट्राउज़र है लहंगा जी, ट्राउज़र है, इसमें दो कलर है, एक मस्टर्ड और एक ये। अच्छा अच्छा, और प्राइस क्या है इसकी? इसकी 295। एक दो लॉन के भी दिखा रहे हैं, पहले ये नीचे जो आपने दिखाए हैं मुझे इसकी प्राइसेस भी बता दें, ताकि ये जो शरारे वरारे हैं ना ये 350। अच्छा अच्छा, इनके साथ दुपट्टा भी है ना? जी डिकैश दुपट्टा है, मॉपी बॉक्स का है, और ये वाला जो था ये वाला 250 का, 250 रियाल, ठीक है।
अच्छा मुझे सेमी फॉर्मल की भी दिखाएं थोड़ी सी, और ये बहुत प्यारा लग रहा है मुझे, ये सिल्क वाला। इसका क्या बता, ये इसका दुपट्टा है डबल टोन का, और बहुत खूबसूरत गोटा गोटा वर्क हुआ है इसके ऊपर, और शर्ट भी बहुत प्यारी है। और इसका ट्राउज़र कैसे, बहुत प्यारा काम हुआ है इस पर, और ये वीडियोस में इतना प्यारा आ रहा भी नहीं है जितना ये हकीकत में प्यारा है, बहुत खूबसूरत। और सिल्क वैसे ही बहुत ज़्यादा इन्हें दिल आया हुआ है मुझे ब्लैक कलर अच्छा लग रहा है इसका। और इसका ट्राउजर किस कलर का है, ब्लैक कलर का, वो कपड़ा पीछे आ गया, प्लेन है, प्लेन है। अच्छा चलो चलिए ये दिखाएंगे ग्रीन वाला, ये भी अच्छा है, बहुत प्यारा। ये देखो ये है ट्राउजर, अच्छा प्लेन है ना, बस ठीक है उसको ना खोलें, ठीक है ये दिखा, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। और ये किन का है, बिन सईद का है, बहुत खूबसूरत वर्क हुआ है इसके ऊपर, बहुत प्यारा एम्ब्रॉयडरी भी बहुत प्यारी हुई हुई है, पैच है एम्ब्रॉयडरी का, दामन पे भी है, फ्रंट बैक पे नहीं, फ्रंट पे सर स्लीव पे, फ्रंट पे नेक पे है, और इसका कॉटन भी इसका बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा इसका दुपट्टा प्लेन है, दुपट्टा प्लेन है, ठीक है। और भी बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी प्यारी सी वैरायटी है इनके पास, डेकार्ड के ऊपर भी है, बहुत प्यारा लग रहा है ये भी, बहुत खूबसूरत है, मैरून मैरून कलर में, मैजेंटा नहीं मैरून नहीं, लाइट्स में कुछ कलर चेंज भी हो जाते हैं, ये भी बहुत प्यारे। क्या प्राइस बताइए इसकी, ये 175 है। और ये जो अपनी ये बिन सईद का, ये देखा 165 है, एक रिकॉर्ड में ये है और एक रिकॉर्ड भी आजकल पाकिस्तान में काफ़ी इन जा रहा है, बहुत इन जा रहा है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये भी 3 पीस में ही है जी, मेरे पास 3 पीस ही है। अच्छा अच्छा, दुपट्टा इसका बहुत खूबसूरत बना हुआ है कचवर्क के साथ है, दुपट्टा ही शर्ट है, अच्छा दुपट्टा ये है, हाँ शर्ट लेजर कट है, बहुत प्यारी, और दुपट्टा जो है वो भी बहुत प्यारा है, नहीं बस ठीक है। क्या प्राइस है, ये वाला 175 इंशाल्लाह, बहुत ही प्यारी वैरायटी है इनके पास। और इनके पेज का जो है वो आपको लिंक भी दे देंगे, और साथ में आपको इनका नंबर भी बता देंगे, तो आप जब भी विजिट करें तो ज़रूर इनके पास आएँ। हाँ मेरा नंबर है 0599196646, आयशा इमरान और रियाद फैब्रिक के नाम से मेरा। और अब हम यहाँ पर आ चुके हैं ज्वेलरी बाय फरजाना दस्तगीर के स्टॉल पर, बहुत ही खूबसूरत फॉर्मल ज्वेलरी इनके पास मौजूद है, ब्राइडल आइटम्स भी मौजूद हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, कुंदन की भी यहाँ पर बहुत प्यारी ज्वेलरी है, 1 कैरेट ज्वेलरी मौजूद है, और प्राइसेस यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी सी ज़्यादा हैं, लेकिन ज्वेलरी बहुत ही खूबसूरत है, और काफ़ी फंक्शंस वगैरह के लिए आप यहाँ पर से ज्वेलरी ख़रीद सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं छोटे छोटे से बहुत ही नाजुक से सेट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें ईयरिंग्स पेंडेंट्स और रिंग्स मौजूद हैं, इसके अलावा यहाँ पर हैवी नेकलेसेस भी मौजूद हैं, और इसके अलावा ब्राइडल ज्वेलरी भी काफ़ी मौजूद है यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत ज्वेलरी यहाँ पर आपको ट्रेडिशनल ज्वेलरी भी मिल रही है, फॉर्मल सेमी फॉर्मल ज्वेलरी भी मिल रही है, सेट्स भी हैं, और इसके अलावा यहाँ पर आपको चोकर भी मिलेंगे और माला सेट भी मिल रहे हैं, साथ ही यहाँ पर नेकलेसेस इयररिंग्स माथे का टीका झूमर झुमके सभी कुछ अवेलेबल हैं, और बहुत ही खूबसूरत ज्वेलरी लग रही है। तमाम ख्वातीन की कमज़ोरी होती है ज्वेलरी, और ज्वेलरी के स्टॉल पर आकर ज़रूर ख्वातीन कुछ देर के लिए इतना टाइम स्पेंड करती हैं। तो अब यहाँ पर हम आ चुके हैं हिना बाय महक नासिर के स्टॉल पर, जो कुछ सेलिब्रिटीज़ के साथ भी अपना काम कर चुकी हैं, और बहुत ही खूबसूरत और नफीस मेहंदी के डिज़ाइंस बनाती हैं, तो चलिए इनसे आपको मिलवाते हैं। कहीं से सीखी नहीं? नहीं, खुद ही खुद मैं सिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारी लगाई है, बहुत ही नीट लगाई है। तो ये थी हमारी सिस्टर महक नासिर, जो हिना आर्टिस्ट हैं और डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ के साथ भी अपना काम कर चुकी हैं, और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइंस बनाती हैं, बहुत ही स्किलफुल हैं माशाल्लाह, और इनके पास काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस की वैरायटी मौजूद है, टैटूज़ भी मौजूद हैं जो कि मेहंदी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। साथ ही हमारे पास यहाँ पर क्लोथिंग का एक स्टॉल है, जिसके ऊपर पाकिस्तानी ब्रांडेड सूट्स अवेलेबल हैं, बिन सईद सफ़ायर और पाकिस्तान के दूसरे बड़े ब्रांड्स यहाँ पर आपको नज़र आएंगे, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइंस हैं, स्टिच्ड क्लोथ्स हैं, डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल हैं, मीडियम स्मॉल लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज, और आप यहां से बहुत ही अच्छी प्राइसेस में इनको ख़रीद सकते हैं।
और आने वाली किसी भी तकरीबात में इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्वेलरी के एक और स्टॉल पर अब हम आ चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत ज्वेलरी यहाँ पर भी अवेलेबल है। सिस्टर नसीम है इसकी ओनर, इस स्टॉल के बारे में वो तमाम तफसीलात आपको बताएंगी। So this is for 85 and these all are in 80 rings, all the rings. So they are for 50 riyals and these are for 10 riyals, just 10 riyals. And I have these chumkas, these all are for 35 riyals. I have very much variety here, you can see. These are in fashion, all these ones, latest ones I have. And here I have delicate necklaces, so many variety, and all these bracelets I have here. These all are necklaces. These all are bracelets. These are the bangles from Hyderabad. Prices again? They are different. 25, 20, 15 also. And here are all the bracelets. This is 10 riyal, 15 riyal. And this one, I'm sorry, ये मैं लेना चाहूँगी। $150 Yeah. This is all in 80. And these are all for 25, just 25 riyals. And these ones are 150. I'm giving in discount for 125. These are real polkis. In real emerald and real ruby. And I have kids clips and everything starting from 3 riyals to 5 to 10 riyals. तो अब जिस स्टॉल पे हम आए हैं यहाँ पर आपको इंडियन क्लोथिंग दिखाई जाएगी। इंडियन ब्रांड्स हैं और यहाँ पे स्टिच क्लोथ्स दिखाए जा रहे हैं। ये इंडिया के हैं, पाकिस्तान के हैं? इंडिया के हैं। ये भी अच्छा। और प्राइसेस भी बता दीजिए। इसका 100 रियाल है। अच्छा। और इसका 90 रियाल। ये भी 100 रियाल। ये 110। ये हमारा सॉलिड ड्रेस है, शिफली का कहते हैं, उसमें नीचे प्रिंट है प्रॉपर। ये शरारा है इसके साथ, तो वो मुझे दिखाइएगा जो आपने डिस्प्ले पे लगाया है। पकड़िएगा, और दुपट्टा है साथ में, नेट का नेट में है, नेट का दुपट्टा। ये हमारे कॉर्ड सेट हैं। प्राइसेस भी बताइएगा। हाँ, उसका शरारे का जो सूट है 100 रियाल। अच्छा। और ये, और ये हमारा 75 रियाल। ये बच्चों का भी 75 रियाल। टू पीस में? हाँ, ये शरारा है, बच्चे शरारा है इसके साथ। अच्छा। ये है हमारे ट्यूनिक के, मैं जो बोल रही हूँ 110, ये क्योंकि ये शिफली बोलते हैं नीचे। अच्छा अच्छा, फिर कट आता है। सही। ये भी हमारे कॉर्ड सेट है, ये कॉटन की है, प्योर कॉटन। इसको आप एज ए नाइट सूट भी पहन सकते हैं ऑफिस गोइंग। क्या प्राइस क्या है? ये भी हमारे 75 है। तो अभी हमने आपको एक इंडियन स्टॉल दिखाया जिसपे इंडियन क्लोथिंग थी, इंडिया के डिफरेंट ब्रांड्स दिखाए गए थे, जिसमें फॉर्मल, सेमी फॉर्मल और इसके अलावा कैजुअल ड्रेसेस भी दिखाए गए हैं, और काफ़ी प्यारी वैरायटी मौजूद थी। बच्चों के लिए भी ड्रेसेस मौजूद थे। सिस्टर क्या प्राइस क्या बताइए? और यहाँ पर अब हम आ चुके हैं एक और स्टॉल पर जहाँ पाकिस्तान के मशहूर ब्रांड्स की कुर्तीज़ और शर्ट्स दिखाई गई हैं। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं जे डॉट, खाड़ी और डिफरेंट ब्रांड्स की यहाँ पर शर्ट्स बहुत खूबसूरत और बहुत ही मुनासिब प्राइस में अवेलेबल हैं। काफ़ी ज़्यादा वैरायटी इनके पास मौजूद है और ये काफ़ी बार्गेन भी कर रही हैं, और इनकी फ़िक्स प्राइसेस नहीं हैं, और बल्कि ये कह रही हैं कि इन्होंने अपना क्लियरेंस सेल लगाई हुई है एक तरह से, तो ये काफ़ी मुनासिब प्राइसेस पे अपना तमाम जो क्लोथिंग है वो सेल कर रही हैं। क्या हाल है?
इन्फॉर्मेशन ये है कि मेरे जो कोन्स हैं वो ऑर्गेनिक कोन्स हैं, स्टेंच कोन्स नहीं है। बहुत फॉरन से कलर नहीं आता है इसका, थोड़ी देर में कलर आता है और बहुत देर तक रहता है, कुछ दिनों तक नहीं आता है। ठीक है, और बहुत रीजनेबल प्राइस है फॉर किड्स अंडर 6 ईयर्स 5 रियाल, और अडल्ट के लिए जो है वो 10 रियाल है। इसमें आपको पूरी फिंगर खरीदनी है। डिज़ाइन भी बहुत प्यारे हैं इनके पास। ये बहुत बेसिक और सिंपल डिज़ाइन है जो नॉर्मली बाजार में लगवाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा भरे हुए डिज़ाइन भी हैं। अगर आप कार्ड लेंगे तो फिर आप अपने घर पर भी ले सकती हैं मुझसे मेहंदी। अच्छा, तो आप यहाँ पे स्टॉल्स लगाती रहती हैं? ये आपका फर्स्ट टाइम है इनके साथ? ब्राइन के साथ फर्स्ट टाइम। वैसे आप कहाँ लगाती हैं स्टॉल्स? एक और इन्फ्लुएंसर है उनके साथ, पहले कोऑर्डिनेशन अभी भी है लेकिन उनके अभी रिसेंटली इवेंट नहीं हुए। स्टॉल आपने डेकोरेट भी बहुत प्यारा किया है। तो मेहंदी, ज्वेलरी और इसके अलावा ड्रेसेस के बाद अब हम आ जाते हैं कुछ फूड स्ट्रीट की तरफ। यहाँ पर देखते हैं मज़ेदार से फूड स्टॉल्स। और क्या क्या? मोमोज हैं। और ये जो गोलगप्पे हैं ये आप किसके साथ सर्व करते हैं? पानी के साथ, चनों के साथ? पानी, चने, मेथी चटनी। अच्छा, ये मोमोज हैं। अच्छा, मोमोज हैं यहाँ पे। चाय भी है। चाय कौन सी है? नॉर्मल चाय? दोनों नहीं, पकी हुई चाय है। मतलब ये ही कि ब्लैक टी दूध वाली चाय है। ठीक है, थोड़ी सी निकाल के आपको दिखा देती हूं। बर्गर है, बर्गर है। ठीक है, अपना नाम भी बताइए ताकि पता हो कि आपका स्टॉल कौन का स्टॉल है। चाय, ये यहाँ पे बहुत मज़े की चाय है। तो अपना स्टॉल का नाम भी बताएं ताकि हमें पता हो। शमा जी, उनका स्टॉल शमा का स्टॉल है। माशाल्लाह, बहुत मज़े की चीज़ें इन्होंने सर्व की हुई हैं यहाँ पे, और बहुत ही स्ट्रीट फूड पाकिस्तान का और इंडिया का भी वो सब यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप जब भी यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे ज़रूर इंजॉय करें, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू। ये चिकन ब्रेड है। प्राइसेस भी? प्राइस तो चिकन ब्रेड की देखिए, आप यहाँ पे 4 रियाल्स पर पीस। हाँ, और 2 कुकीज़ है 3 रियाल्स में, 2 चॉकलेट चिप मफिन है 3 रियाल्स में, और एग पफ्स है 2 पीसेस 3 रियाल्स में, और मैंगो चीज़ केक 6 रियाल्स में। तो आपका नाम क्या है? समीरा। समीरा का स्टॉल है ये। थैंक यू। तो सिस्टर आपका नाम क्या है? अफशानदान। अफशान, ये कराची बिरयानी है और ये चिकन के साथ है? जी चिकन बिरयानी है। अगर आपने हाफ के जी का बनवाना है बॉक्स तो पार्सल वो 15 का है, और यहाँ पर अगर ये वाला प्लेट लेना है तो ये 12 का है। उसके अलावा ये स्टफ ब्रेड फ्राइड ब्रेड सैंडविचेज हैं, और ये 5 रियाल के हैं। ये 4 रियाल के स्प्रिंग रोल हैं। समोसे हैं 2 5 रियाल के। अगर उसके बाद मेरे पास रेशमी कबाब हैं, ये होममेड पराठों के साथ में दे रही हूँ, 15 का प्लेटर है। पराठा कहाँ है? पराठा इसके अंदर। और कौन से रियाल दे घर पे ले लूँगा। और दूसरी बात, मेरे हस्बैंड बैठे हैं। अच्छा, तो कुछ खाते हैं। अच्छा, यहाँ पे दही भले हैं और ब्लैक चना चाट है। नहीं जाना, मछली जा रही है। मेरा फेसबुक का पेज है, ये मैंने आज स्टॉल लगाया। ये है मेरे पास साग है। साग है यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार। सरसों का साग, मकई की रोटी है। अच्छा, माशाल्लाह, होममेड मकई की रोटी है यहाँ पे। रोटी है, पंजीरी है, ये पंजीरी है यहाँ पे, बहुत क्रिस्पी, बड़ी मज़े की। स्वीट कॉर्न है, सही बच्चों के पसंद। ये चिकन टिक्का है, चिकन टिक्का है बहुत ही टेस्टी। ये कबाब है। कौन से कबाब हैं ये? चिकन के कबाब हैं। अच्छा, उसके अलावा कॉफ़ी, चाय, नूडल्स वगैरह, ये बच्चों के लिए फ्री में है। अच्छा, ये बच्चों के लिए है ट्रीट यहाँ पे। और आप यहाँ पे पहली बार स्टॉल लगा रही हैं? नहीं, लगाती नहीं, ये थर्ड टाइम लगा रही हूँ। अच्छा, तो आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो फूड के डिफरेंट स्टॉल्स के बाद हम आखिर में आ चुके हैं फैशनिस्टा के स्टॉल पर, जिनके पास बहुत ही खूबसूरत ब्राइडल वैरायटी मौजूद है, और ये डील करती हैं सिर्फ ओरिजिनल में, रेप्लिका इनके पास नहीं पाई जाती।
उम्मीद है ये इवेंट आपको अच्छा लगा होगा और इसके बारे में हमने आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह जब दोबारा ये इवेंट लगेगा तो आप ज़रूर इसमें शामिल होइएगा और इसको इंजॉय कीजिएगा और पार्टिसिपेट भी कीजिएगा। उम्मे इब्राहिम कुरैशी और दीगर ख़वातीन जिन्होंने भी इसको इंतज़ाम किया है, हम उन सब का बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने कम्युनिटी के लिए इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। इंशाल्लाह जल्दी आपको दोबारा किसी नए इवेंट के साथ मिलेंगे। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि रियाद में रहने वाली तमाम ख्वातीन को इसकी खबर मिल जाए कि एक बहुत ही अच्छा इवेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।